हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सबको। स्वागत है आप सबका टैक अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिलते हैं फ्री आर ऑप्स एंड फ्री अर्निंग प्लेटफॉर्म्स की जानकारी। सो गाइस, आज फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। तो जो फर्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है टाइको की साइट से। जैसे कि आप सबको पता है कि टाइको का जो टेस्टनेट ट्री अवार्ड्स है वो हम सबको मिल चुका है, और हमने इसके अल्फा के ऊपर भी जो भी टास्क कंप्लीट करे थे और टेस्टनेट पे जो एनएफटी हम सब ने क्लेम करी थी, अब वो मेननेट पर हमें मिल चुकी है, और टोकन्स भी टेस्टनेट कॉन्ट्रीब्यूशंस के अकॉर्डिंग हम सबको यहाँ पर मिल चुके हैं। बट क्योंकि अब इसका मेननेट आ चुका है, इनका मेननेट लॉन्च हो चुका है, तो जब मेरी एडमिन से यहाँ पर बात हुई तो यहाँ पर इनका क्लियरली कहना है, आई रिकमेंड यू ज्वाइन नेक्स्ट फेज ऑफ फ्री अवार्ड। इसका मतलब कि टाइको का मेननेट के टास्क को कंप्लीट करने का टास्क, इन द सेंस कि इनके फीचर्स को यूज़ करना है, इसके ऊपर भी कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, ट्रांजेक्शन्स करनी है, जिसके बेस पर इनका मेननेट एक्टिविटी, मेननेट इंटरेक्शन के ऊपर भी इनका एक रिअवॉर्ड हो सकता है, जो कि यहाँ पर इनके मोड ने ही बोला है, रिअवॉर्ड विल बी 10% ऑफ टोटल सप्लाई। बाकी यहाँ पर भी क्लियरली है कि अब यहाँ पे जो भी मेननेट पर कंट्रीब्यूशन करेगा उन सब के लिए रिअवॉर्ड हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए टाइको के पूरे इकोसिस्टम के लिए ये वीडियो आप सबके लिए लेकर आई हूँ, जहाँ पे आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप इस पर इंट्रैक्शन करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। अगेन एंड अगेन इस बार भी मैं जो फंडिंग की बात करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि इनकी ऑलरेडी फंडिंग जो है वो 37 मिलियन डॉलर है। तो इकोसिस्टम में सबसे पहली चीज़ आ जाती है टाइको के मेननेट ब्रिज की, ठीक है। इनका ऑफिशियल ब्रिज है जो आप सबको एटलीस्ट एक से दो बार ज़रूर यूज़ करना है, जिससे कि आप वहाँ पर सिबिल से बच सकें, राइट। तो इसीलिए आपको इनका ऑफिशियल ब्रिज की साइड लेके चलती हूँ। सिंपली कम हियर, क्लिक ऑन ब्रिज सेक्शन, कनेक्ट योर वॉलेट, एंड दिस टाइम हमें मेननेट इथेरियम की ज़रूरत होगी। सो यहाँ पे अगर आपके पास इथेरियम पे कुछ भी ETH है तो उसको आप टाइको में ले सकते हैं। जैसे मेरे पास थोड़ा बहुत है, तो मान के चलिए मैं यहाँ पर इतना ले लेती हूँ, कंटिन्यू के सेक्शन पे क्लिक करती हूँ। डजेंट मैटर आप हाई ज़्यादा का कर रहे हैं या कम का कर रहे हैं, बट फोकस रखना है कि हमें एक बार यूज़ ज़रूर करना है, एक से दो बार यूज़ आपको ज़रूर करना है, एक दिन करके छोड़ नहीं देना है। एक दिन आज कर लिया, फिर एक हफ्ते बाद या 4-5 दिन बाद आके अगेन ट्राई कर। सो गाइस, मैंने थोड़ा बहुत फंड जो है वो इथेरियम अपनी वॉलेट में ले लिया है। अब किस तरीके से लिया वो भी मैं आपको बताऊंगी, विदाउट यहाँ पे बिना $5 की फ़ीस दिए, बिना $3 की फ़ीस दिए। तो पहले मैं यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन्स कर लेती हूँ, जैसे 0.002 में जो है ETH टू टाइको सेंड करना चाहती हूँ, एंड सिंपली कंटिन्यू के सेक्शन पर क्लिक किया, ब्रिज के सेक्शन पर यहाँ पर क्लिक। सो बस गाइज, ऑफिशियल ब्रिज का एक ही नुकसान है कि गाइज यहाँ पर फ़ीस बड़ी दमदार लगती है, और जिस कारण बहुत ज़्यादा फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो चलिए, मेरे को तो एक बार ट्रांजेक्शन करके छुट्टी कर लेनी, जिससे कि एटलीस्ट ऐसा हो कि माइंड से स्किप भी हो जाए। तो एटलीस्ट मैं एक बार कर चुकी हूँ यहाँ पे इस वॉलेट से ट्रांजेक्शन। तो ये इनका ऑफिशियल ब्रिज है, जिसमें एक बार आके दो बार आके जरूर आपको ट्रांजेक्शन करनी है, एंड जो भी आपकी ट्रांजेक्शन रहेंगी वो आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन के सेक्शन पे आएंगे। जब वो कंप्लीट होगी तो आपको यहाँ पे स्टेटस दिख जाएगा, क्लेम के लिए भी आ जाएगा, लेकिन अभी जो है ट्रांजेक्शन चल रही है। सिंपली क्लेम के सेक्शन पर क्लिक करेंगे, ये हमको बोलेगा स्विच टू टाइको करने के लिए, हमने स्विच टू टाइको किया। चलिए, जब तक क्लेमिंग कंप्लीट होती है उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बिना ज़्यादा फीस दिए आप अपने वॉलेट में ETH जो है वो किस तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास पहले बहुत कम था, अभी मैंने एटलीस्ट $10 का यहाँ पे इथेरियम लिया, तो जिसके लिए मैंने क्या किया, किसी भी एक्सचेंज से अगर आप लेते हैं तो आपको $3, $5, $7 तक फ़ीस पे करनी होती है इथेरियम को अपने वॉलेट में लेने के लिए। बट अगर आप सी वॉलेट का यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही मामूली सी फ़ीस के अंदर आप इथेरियम अपने वॉलेट में मंगवा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सी वॉलेट का यूज़ कर रही हूँ, एंड यहाँ पे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सिंपली डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आपका वॉलेट यहाँ पे क्रिएट हो जाए, फ्रेश इसको सेव कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे BNB की ज़रूरत होगी, तो जो आप किसी भी एक्सचेंज से थोड़ा बहुत BNB मंगा लीजिएगा, तो BNB का रिसीव एड्रेस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सिंपली आप रिसीव सेक्शन पे क्लिक करेंगे, आपको BNB यहाँ पे मिल जाएगा, जितना ETH जरूरत है उसके अकॉर्डिंग BNB मंगा ली। तो एड्रेस को सिंपली हमने कॉपी, उस एड्रेस को मैंने एक्सचेंज पर पेस्ट किया, और यहाँ पे $15 तक का BNB मैंने ले लिया। मुझे यहाँ पर BNB जो है वो रिसीव हो चुका है। अब यहाँ पे आप इनका फीचर यूज़ करिए स्वैप, जो आपको यहाँ पर मिल जाता है। सिंपली आप यहाँ पर आते हैं, आप BNB को ETH में यहाँ पर स्वैप कर लीजिए। बस गाइज, आपके यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो एंड स्वैप कंप्लीटेड, कोई ज़्यादा फीस नहीं लगी, और आपको यहाँ पे इजी वे में इतनी इजी में मिल गया।
और देखिए स्वैप होके ये मेरे पास ही मेरे इस वॉलेट में आ गया। अब मैं यहाँ से विड्रॉ ले लेती हूँ मेरे मेटामास वॉलेट में। सो विड्रॉ लेने के लिए इथेरियम वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास इस तरीके से ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपका जो वॉलेट है मेटामास का वो ERC20 आपको इस नेटवर्क को सिलेक्ट करना है। अपने एड्रेस पर जिस पर आपको सेंड करना है वो पेस्ट कीजिए एंड यहाँ पे जो अमाउंट है वो लिखिए एंड सेंड के सेक्शन पे क्लिक कीजिए एंड बस इतना होते ही आपको यहाँ पे आपका फंड जो है वो मिल जाएगा। ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ ये अभी के लिए नहीं, आगे आने वाले किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी एयरड्रॉप में अगर आपको ETH की ज़रूरत हो तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम बिना फीस दिए एक इथेरियम जो है अपने वॉलेट में सेंड मंगवा सकते हैं। तो ये क्या तरीका हो गया, एक है हमको ऑफिशियल ब्रिज यूज़ करना ही करना है। अब और कौन से ब्रिज हैं जो आप टाइको के प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं जिससे कि कम से कम फीस में आप ट्रांजेक्शन जो है वो टाइको पे ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इनके इकोसिस्टम पे क्लिक करना है। इकोसिस्टम पे जब आप आएंगे सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है, आपको यहाँ पे बहुत से डैप्स मिल जाएंगे एंड ब्रिजेस मिल जाएंगे जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ब्रिज जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो यहाँ पे ऑल्टो जो कि आपको यहाँ पर इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में मिल जाएगा जो कि मेननेट को सपोर्ट करता है। तो सिंपली आपको ऑल्टो के सेक्शन पे क्लिक करना है। सो ऑल्टो पे हम आ चुके हैं। मान के चलिए मेरे पास यहाँ पे किसी भी और नेटवर्क पे अगर ETH रखा हुआ है जैसे जेटके सिंह कैरा पे मेरे पास ETH है तो मैं आके इसको टाइको में यहाँ पर जो है ब्रिज कर लूँगी। तो ये हमारा सेकेंडरी ब्रिजेस रहेंगे जिसको कम फीस में आप यूज़ कर सकते हैं ब्रिज करने के लिए। तो 0.005 का यहाँ पे स्वैप कर लेती हूँ टू टाइको एंड यहाँ पे ये ब्रिजिंग कंप्लीट हुई जेटके सिंह कैरा टू टाइको। ऑल्टो के साथ साथ सेकेंडरी ब्रिज में मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगी orbiter.finance। तो ऑर्बिटर पे भी आप आइएगा, ऑर्बिटर के थ्रू भी यहाँ पर आप स्वैपिंग एंड ब्रिजिंग के टास्क को कंप्लीट कर सकते। नेक्स्ट थर्ड ब्रिज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो rhino.fi रहेगा। यहाँ पर आके आप किसी भी नेटवर्क से टाइको का ETH या कोई भी टोकन यहाँ पे ले सकते हैं। फोर्थ यहाँ पे जो ब्रिज आएगा वो सिम्बायोसिस का ले सकते हैं आप। यहाँ पे भी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे आप किसी भी टोकन को ब्रिजिंग कर सकते हैं। बाकी आपको इनके इकोसिस्टम में लेयर स्वैप भी मिल जाएगा जिसके थ्रू आप ब्रिजिंग यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे और स्वैपिंग डेक्सेस की बात करें जिसे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं तो उनमें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये रहा डाइको डेक्स रहेगा आपका, यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे आएंगे वॉल्ट को कनेक्ट करेंगे एंड स्वैपिंग फार्मिंग एंड स्टेकिंग जो है आप इसके थ्रू यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पे ये स्वैपिंग डेक्स आपको मिल जाती है जिससे क्या होगा कि आप टाइको के टोकन्स को किसी और टोकन में स्वैपिंग भी कर लेंगे। पर एक और एक्स्ट्रा फीचर आपको टाइको के नेटवर्क पे यूज़ करने को मिल जाएगा वो हो जाएगा इनके स्टेकिंग का। तो स्टेकिंग के लिए आप टाइको डेक्स का यूज़ कर सकते हैं, ब्रेजिंग कर लेंगे हर चीज़ से, स्वैपिंग हर किसी एक्सचेंज से कर लेंगे, बस स्टेकिंग का एक टास्क कंप्लीट हो जाए तो जिससे क्या होगा कि यहाँ पर आपका एक और फीचर यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप izumi.finance को यूज़ कर सकते हैं स्वैपिंग को यूज़ करने के लिए टाइको के नेटवर्क पे। अब डेक्सिस के बाद कुछ NFT प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे जिसके ऊपर आप टाइको के नेटवर्क पे कुछ NFTs को क्रिएट कर सकते हैं, NFTs को मिंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं Micro3 को यहाँ पे लेने वाली हूँ। आप सबको पता है कि Micro3 का खुद का रिवॉर्ड भी कन्फर्म्ड है और डेली बेसिस पर हम इसका पॉइंट्स भी क्लेम करते हैं। Micro3 एयरड्रॉप जिसके हमने जनवरी के अंदर यहाँ पे टास्क को कंप्लीट किया था और यहाँ पे कुछ नहीं होता था, NFTs को मिंट करना है अलग अलग नेटवर्क्स पे जिसके थ्रू आपको यहाँ पे इनके पॉइंट्स अर्न करने का मौका मिलता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हर के लेवल्स होते हैं जिसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था और इसके बारे में मैंने आपके साथ में वीडियो भी शेयर करी थी। बट अगर आप न्यू हैं, आपने नहीं ज्वाइन किया Micro3 तो आप प्लीज़ कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और बहुत ही ईजी है करना इसको, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको इस पेज पर आना है, आने के बाद अपने मेटामास वॉलेट को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट्स को अर्न करना है। सबसे पहले एयरड्रॉप वाले सेक्शन पे आइएगा, अनलॉक योर एयरड्रॉप विद Micro3 सिटीजन्स, यहाँ पर आपको आना है। देखिए अब यहाँ पे टाइको का नेटवर्क जो है वो भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, ये बेसिकली मैं आपको यहाँ पर दिखाने आई हूँ। और क्योंकि ये NFT प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है तो टाइको के ब्लॉकचेन पे बहुत ही कम फीस पर यहाँ पे बहुत सी NFTs मिंट करने के लिए आएगी जिसके थ्रू ऑटोमेटिक आपके पॉइंट्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। तो यहाँ पे ओन Micro3 ID अगर आपके पास में, अगर आपने पिछली वीडियो देखी थी जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्या करना है, अब आपको ट्वीट करना है। तो मैं ट्वीट के सेक्शन पे क्लिक कर, जैसे ही ट्वीट वेरीफाई हो जाएगा मुझे 5 पॉइंट्स और मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर हमें इसको फॉलो करना है, फॉलो मैं ऑलरेडी कर चुकी। फॉलो करने के बाद 2 पॉइंट्स और आपको मिल गए। यहाँ पर अगर आप इनका डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेंगे तो ये भी जब वेरीफाई हो जाएगा तो ये टास्क भी कंप्लीट। अब आप आके यहाँ पे ज्वाइन एयरड्रॉप हब के सेक्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको बता देगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं इनके एयरड्रॉप्स के लिए। और टोटल जितने भी आपके पॉइंट्स रहेंगे वो इनके M3 टोकन में यहाँ पर कन्वर्ट होने वाले हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे अर्न वाले सेक्शन पे आना है। यहाँ पे आपको डेली के कुछ मिशंस भी मिल जाते हैं जिन्हें आप यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। जैसे कि कोई भी NFT अगर आप यहाँ पर मिंट करते हैं तो आपको इसके
2000 पॉइंट और 200 पॉइंट मिल जाएंगे। 5 NFTs मिंट करते हैं तो आपको यहाँ पे 400 मिल जाएंगे। अलग अलग नेटवर्क्स पे, अलग अलग ब्लॉकचेन्स पे NFT मिंट करके आप यहाँ पे पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। ये तो मिशंस वाले टास्क हो गए, अब ये यहाँ पर आ जाते हैं आपके अचीवमेंट्स वाले टास्क आ जाते हैं। इसमें जैसे जैसे आपके पॉइंट्स यहाँ पर भरते जाएंगे वैसे वैसे आपकी अचीवमेंट शो होती जाएंगी। बाकी यहाँ पे एक्सप्लोर वाले सेक्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सी NFTs आपको मिल जाती हैं, जिसे आप अलग अलग नेटवर्क को यूज़ करके इन्हें जो है मिंट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही फ्री वाली भी आती है। यहाँ पर आप फ्री वाली भी कर सकते हैं जिसके थ्रू एटलीस्ट उस ब्लॉकचेन पर आपका ये क्लेम हो जाए। जैसे ये वाली है, जैसे मैंने ये फ्री है, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं मिंट नाउ के सेक्शन पे क्लिक, मिंट आप कर सकते हैं। बाकी नेटवर्क देख लीजिएगा, ये बेस के नेटवर्क पे है, ये बाकी स्क्रॉल के नेटवर्क पे है, ये BNB के नेटवर्क पे फ्री वाली NFTs मिल जाती हैं, ये बेस वाली हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और हम अगर NFT प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे इमेजिनरी NFTs जो हैं इसके ऊपर भी आप यहाँ पे NFTs जो है मिंट कर सकते हैं, जैसे कि अपने वॉलेट को कनेक्ट। सो बस गाइस, यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, नेम दे देना है, डिस्क्रिप्शन दे देना है, एंड यहाँ पे मिंट NFT के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, आपके मेटामास्क में ट्रांजेक्शन जाएगी, आपको उसे कन्फर्म। गाइस यहाँ पे मैं दोबारा से इनके टाइको के ऑफिशियल ब्रिज पे आ चुकी हूँ। यहाँ पर मुझे क्लेम वाला सेक्शन देखते हैं, अब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई नहीं हुई जो मैंने स्टार्टिंग में छोड़ दिया था। तो ये कह रहे हैं सफिशिएंट फंड टू क्लेम, सो अभी भी मुझे नहीं मिला है यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट 24 आवर्स का टाइम लेगा। बट इस तरीके से आप इसकी इकोसिस्टम को यूज़ कीजिएगा, ट्रांजेक्शन कीजिएगा, ब्रीजिंग, स्वैपिंग एंड NFTs प्लेटफॉर्म जो मैंने बताए हैं वो आप करिएगा। एंड बस यही है टाइको के प्लेटफॉर्म में। आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की। अपडेट आ रही है यहाँ पे हैमस्टर की साइड से, जैसे कि आप सबको पता है कि ये टोन की ब्लॉकचेन को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। अपडेट जो कि मैंने आपके साथ कल ही शेयर कर दी थी कि यहाँ पे हम डेली बेसिस पर कार्ड्स को कलेक्ट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर हम यहाँ पे 5 मिलियन डेली के टोकन्स और जो है कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन। सो गाइस, इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है। टैप टू अर्न प्लेटफॉर्म है हैमस्टर एक तरीके से। अब इन्होंने टोन को सपोर्ट करते हुए एक न्यू इवेंट, एक न्यू मिशंस लेकर आए हैं, जिसके थ्रू हमें रिवॉर्ड मिलेगा कार्ड्स को कलेक्ट करने पर। डेली बेसिस पर अगर आप 3 कार्ड्स को कलेक्ट करते हैं, मैच करते हैं, तो उसके बदले में आपको यहाँ पे 5 मिलियन टोकन्स जो है ये डेली बेसिस पर हमें देने वाले हैं। अब जैसे कि आपने टेलीग्राम बोट स्टार्ट कीजिएगा हैमस्टर का, अपना ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप कार्ड्स वाले सेक्शन में, तो ये आपको दिखेगा। अब इनको कलेक्ट करने के लिए पहले आपको ये 3 कार्ड यहाँ पे ढूंढ के लगाने होंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से 3 कार्ड हमें सर्च करने हैं और जो इनको यहाँ पर लगाना है, तो उसके लिए भी आपको किसका सहारा लेना है, सिर्फ और सिर्फ इनके ऑफिशियल टेलीग्राम का। तो इनके ऑफिशियल टेलीग्राम पे हम आ जाते हैं, सॉरी ऑफिशियल ट्विटर का, ट्विटर पे आ जाते हैं हम। सो माइंड वाले सेक्शन में आपको ये 3 कार्ड्स मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मार्केट वाले सेक्शन में आएंगे, आपको बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आपको इनमें से कार्ड्स को क्या करना है, अनलॉक करते जाना है, जो आपके पास में है आप उन्हीं से। तो सिंपली आपको यहाँ पे स्पेशल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद में न्यू कार्ड्स वाले सेक्शन पे आइएगा। यहाँ पे आके आपको वो कार्ड्स मिल जाएंगे जो हमें फाइंड आउट करने हैं। वैसे तो इनके ग्रुप में भी जाएंगे ना, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे, आप इनके ट्विटर पे सर्च करेंगे स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे कि आज के हमें कौन से 3 कार्ड्स कलेक्ट करने हैं। तो एक्टिव रहना है, जैसे फर्स्ट हमें ये वाला दिख रहा है, हमने सिंपली इसके ऊपर क्लिक किया। इसके लिए हमें इतने हैमस्टर पॉइंट्स देने होंगे, देन सिंपली क्लिक हियर, गो अहेड। जैसे हम इस पर करेंगे हमारे कॉइन्स जो है हमारे बैलेंस से, मतलब पॉइंट्स जो है बैलेंस से डिडक्ट हो जाएंगे। एंड कूल, फर्स्ट कार्ड इज़ रेडी, इट्स मीन कि ये फर्स्ट वाला कार्ड था, ठीक है, जो हमें मिला है। देन इसके बाद में सेकेंड हमने कार्ड यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अगेन मैं यहाँ पे न्यू कार्ड्स के सेक्शन पे जाती हूँ, है ना, जो भी हम यहाँ पे अनलॉक करते जाएंगे वो माई कार्ड पे दिखता जाएगा। तो मैं सिंपली इसको मैंने ऊपर किया और मुझे हिंट्स ऑलरेडी मिल चुकी है, मैंने ट्विटर पे दिखा था स्क्रीनशॉट्स के साथ। तो एक ये वाला कार्ड है जो हमें अनलॉक करना है, तो इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, गो अहेड के सेक्शन पे किया, तो ये वाला कार्ड भी मुझे मिल गया। तो इन्होंने कहा सेकंड कार्ड इज़ असेंबल, ये भी कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट आपको अगेन क्या करना है, ये वाला थर्ड कार्ड है ये जो आपको क्लेम करना है, वहीं पर ही है स्पेशल पे आके आपके कार्ड्स वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, गो अहेड के सेक्शन पे क्लिक किया, तो ये थर्ड वन भी आपको यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। तो इस 3 कार्ड कलेक्ट करते ही आपका जो आज का 5 मिलियन पॉइंट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। बस टेक द प्राइस के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है।
और जब आप अगेन यहाँ पे माइंड वाले सेक्शन पे आएंगे तब आपको ये तीन कार्ड्स यहाँ पर मिल जाएंगे जो फिल हो चुके हैं। अब सिंपली आपके यहाँ पे 5 मिलियन पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं। बाकी माइंड वाले सेक्शन पे टैप टैप करके अर्निंग के साथ पे डेली बेसिस पर आकर आप आई जस्ट होप की इसे क्लेम भी कर रहे होंगे, जिसके थ्रू आप एक्स्ट्रा पॉइंट ले रहे होंगे और यहाँ पे सब टास्क कम्प्लीट कर लीजिए ट्विटर टेलीग्राम यूट्यूब सबके। जी तब मैं आपको बता देती हूँ अब ये तीन कार्ड्स कलेक्ट करके डेली क्लेम करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके बेसिस पे 5 मिलियन पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं जैसे कि ये कुछ कुछ कार्ड्स आपको अनलॉक शो नहीं करेंगे, तो अब आपको इनको अनलॉक कैसे करना है। जैसे मान के चलिए ये वाला कार्ड मुझे अगर अनलॉक करना है तो उन्होंने बोला हुआ है CEO लेवल 2 पे पहुंच, जब आप कर लेंगे तब आपको ये वाला कार्ड अनलॉक करने के लिए मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे CEO कार्ड पहले ढूंढना होगा, राइट। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं मार्केट वाले सेक्शन में ही, लेट्स सी मुझे मिल जाए तो। सो हम यहाँ पे चलते हैं PR एंड टीम में, लेट्स सी यहाँ पे अगर हमें मिल जाए तो। PR एंड टीम में मुझे मिल गया ये वाला CEO वाला टास्क, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। 1000 पॉइंट्स मुझे यहाँ पर देने पड़े, जैसे ही मैंने ये दे दिया ये मेरे लेवल 1 पर है। अब इसको मुझे लेवल 2 पे करना है तो ये बोलेगा 1000 पॉइंट्स और दे दो, तो मैंने यहाँ पे इनको 1000 पॉइंट भी दे दिया तो लेवल 2 हो गया। अब देखते हैं वो वाला कार्ड अनलॉक हुआ नहीं हुआ। सो फाइनली वो हमारे लिए यहाँ पर अनलॉक हो गया। अभी इसी तरीके से क्या होगा कि अनलॉक हो गया ना, अब आपको क्या करना है वहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। जने पे आप उन्हीं को अनलॉक कीजिएगा जिसके थ्रू आपको ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाए। जैसे ये वाला है, इसको करते हैं अगर तो 13000 के आसपास मुझे यहाँ पर पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो मैं इसको अनलॉक करूँ या किसी और को, लेट्स सी। ये सब तो ये अनलॉक है मेरे, बट अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो मुझे इतने देने पड़ेंगे। अनलॉक कर लेती हूँ, एटलीस्ट हमें पॉइंट्स तो मिल ही रहे हैं, ठीक है। और ये वाला है, इसके अंदर मुझे चाहिए लीगल ओपिनियन का लेवल 6, नहीं करूँगी मैं, लेवल 3 नहीं करूँगी, लेवल 1, लेवल 7, लेवल 0 का ये है डाउ वाला, ठीक है। इसके ऊपर हमें क्या करना है, लेवल 0 नहीं। जैसे मान के चलिए ये वाला है गेम फाई टोकन वाला, इसको मैं यहाँ पे आपको अनलॉक करके बताती हूँ। हैमस्टर ट्यूब का मुझे लेवल 4 करना है, तो पहले हैमस्टर ट्यूब का ढूंढना पड़ेगा। PRT एंड टीम में चलते हैं, हैमस्टर ट्यूब मुझे दिख गया है यहाँ पर ही, सिंपली मैंने इसको क्लिक किया बट इट इज़ ऑल्सो अनलॉक। अब इसको अनलॉक करने के लिए मुझे हैमस्टर बुक का लेवल 5 करना होगा। अब हैमस्टर बुक ढूंढनी पड़ेगी मुझे, तो ये ऊपर ही मिल गई है हैमस्टर बुक, तो इसका लेवल 1 करने के लिए 5 को 5 पॉइंट दिए तो लेवल 1 हो गया। अब लेवल 2 करने के लिए अगेन मैंने यहाँ पर पॉइंट्स दिए, लेवल 2 हो गया। लेवल 3 करने के लिए अगेन 638, लेवल 4 करने के लिए अगेन 776 एंड लेवल 5 करने के लिए 990 टोकन्स दे दिए। अब ये हैमस्टर ट्यूब मेरे पास शो हो गया। अब मैं यहाँ पर आऊँगी और इसको भी यहाँ पे क्लेम कर लूँगी। पर गेम फाइव का अनलॉक करने के लिए हैमस्टर ट्यूब का भी मुझे लेवल 4 करना पड़ेगा, तो मैं इसके ऊपर भी अगेन और कॉइन्स दे देती हूँ तो वो वाला कार्ड भी मेरे लिए यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। बस यही है इनका कार्ड सिस्टम, डेली बेसिस पर आके तीन कार्ड्स को मैच कर देंगे, 5 मिलियन मिल जाएंगे। बाकी इस तरीके से कार्ड्स के लेवल को अप कर करके भी आप यहाँ पे जो है कार्ड्स कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हैमस्टर ट्यूब का लेवल 4 हो गया तो यहाँ पे गेम फाइव का मेरे लिए अनलॉक हो गया और मैं इसको यहाँ पे क्लेम कर सकती हूँ और लेवल 1 इसका मैंने कर दिया। ये आगे जाके जब कलेक्ट करने के लिए आएगा ना उसमें काम आते हैं। सो इससे क्या होगा कि आपके जितने कार्ड्स अनलॉक होंगे और उस कार्ड के ऊपर जितनी अर्निंग होगी वो उसकी माइनिंग स्पीड को आपका इंक्रीज करता जाएगा। तो यही है इसकी अपडेट। आई जस्ट होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, डेली टास्क करते रहिए। बाकी अपडेट मैं टैक अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पर देती रहूँगी। आज का काम करिए, कल का जो भी अपडेट होगा, जो भी कार्ड कलेक्ट करने होंगे सब ग्रुप में आपको अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू।